अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुना हुआ चिकन, जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए देखिए इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले हम लेंगे प्याज। प्याज लेंगे आप एक बड़ा साइज़ का, या छोटे हैं तो दो ले लें। अदरक का टुकड़ा ले लें दरमियाने साइज़ का, 5 से 6 जवे लहसुन के, एक बड़े साइज़ का टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें। उसको हम डाल देंगे मिक्सर में। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को डालने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले। मसालों में जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक का, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। साथ मैंने इसमें लिए हैं 8 से 10 दाने काली मिर्च के, और 2 अदद मैंने लिए हैं इसमें सब्ज़ इलायची, और 1/2 चाय का चम्मच हल्दी का। अब ये डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। उसका पेस्ट बन गया है। पेस्ट बनाने के बाद हम लेंगे देगची। चूल्हे पर मैंने रख दी थी गर्म होने के लिए, इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप घी का, और इसमें चिकन डाल देंगे 500 ग्राम। चिकन डालने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। जो पानी बच गया है इसको मज़ीद हम घोल लेंगे चिकन को, और इसको खुश्क कर लेंगे। सब्ज़ धनिया लेंगे थोड़ा सा, वो इस पर डाल देंगे चिकन में, और इसको भून लेंगे। धनिया शामिल करने के बाद, चिकन भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे नींबू का एक रस। एक अदद नींबू लें, इसका रस निचोड़ दें। चिकन भून चुका है और हमारा भुना हुआ चिकन तैयार है। इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल डेली खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त।